चक्रपाणि जी, एक वीडियो संदेश पहले मौलाना तौकीर रजा की तरफ से जारी किया जाता है, उसमें वो आह्वान करते हैं मुसलमानों से कि आप इकट्ठा होइए हुकूमत के खिलाफ, पुलिस प्रशासन के खिलाफ, और जहां पे पुलिस रोके वहां धरना देना है। आज बरेली में जो तनावपूर्ण माहौल बना, आपको लगता है कि कुछ लोग युवाओं को खासकर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ लोग नहीं, तौकीर रजा, मौलाना तौकीर रजा खुद काफी सालों से लगे हुए हैं भड़काने के लिए। आप देखिए, पिछली बार भी जो इनका बयान रहा यही आया था ना कि सब्र का बात टूटता जा रहा है, तो उसी समय मैंने कहा था कि भाई ये काफी समय से प्रयासरत है कि देश का माहौल खराब हो और दंगे हो तो ये, और सरकार बदनाम हो, तो इसलिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें लगता है इनको पहले ही इनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए, और हमें लगता है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ये जानबूझ के प्रयास किया जा रहा है कि दंगे हो, देश में स्थिति खराब हो और सरकारें बदनाम हो। यानी इन्हें अमन पसंद नहीं है, उत्तर प्रदेश में जो अमन है वो इन्हें पसंद नहीं है, चाहते हैं कि वहाँ पे खलल डले, वहाँ पे हालात खराब हो। ये अमन वाले लोग नहीं है, ये तो चमन को उजाड़ने वाले लोग है, और ये लोग दंगाई है, ये जिहादी है, ये चाहते हैं ये, और इनकी जांच की जाए तो निश्चित रूप से इनकी संलिप्तता ISI से, इनकी संलिप्तता पाकिस्तान से, इनकी संलिप्तता अनेक इस्लामिक आतंकी संगठनों से मिलेगा जिनके इशारों पे ये गतिविधि को अंजाम देने का प्रयास कर रहा है। आपको लगता है कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये तो एक तरीके की ब्लैकमेलिंग हो गई कि आप हजारों समर्थकों के साथ पहुंच जाते हैं? तत्काल इनको गिरफ्तार करने चाहिए, तत्काल इनकी जांच की जानी चाहिए। आप देखिए बहुत चीजें सामने आएंगी, गजवा हिंद वाले लोग हैं, देश को चाहते हैं कि स्थित किया जाए, देश को गजवा हिंद बनाया जाए। ठीक है महाराज जी, एक आप मेरे साथ बने रहिए, हमारे साथ फजील अहमद जी भी जुड़े हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। फजील जी, यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या कुछ मौलानाओं को अमन पसंद नहीं आ रहा, तौकीर रजा के बयान को देखें आज जो बरेली में जो कुछ हुआ? नहीं, अमन हुआ क्या हुआ वहाँ पे, हजारों समय उन्होंने पहले वीडियो जारी किया, फिर हजारों मुसलमानों से कहा आप आइए जुम्मे की नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद योगी के लिए आपत्तिजनक शब्द कहे, धामी के लिए कहे, मौजूदा सरकार के लिए कहे, और फिर जो हुआ वो सबके सामने। हमारे देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है क्या? नहीं, लोकतंत्र है लेकिन सड़क पे नहीं है ना सर। क्यों नहीं हुआ? आप आंदोलन नहीं कर सकते क्या? नहीं, सड़क पे करेंगे क्या? कोई भी, हाँ बिल्कुल, सड़क पर कौन आए तो नहीं, लोकतंत्र इसकी इजाजत तो नहीं देता आपको कि आप सड़क पे उतरिए और फिर वहाँ हंगामा कीजिए, वहाँ पे पुलिस के साथ नोकझोंक कीजिए, वहाँ पे हिंसा कीजिए। कौन सी पार्टी है जो सड़क पे आंदोलन नहीं करती? आंदोलन कहाँ करेंगे, अपने घर में करेंगे? नहीं तो आंदोलन के लिए जगह होती है ना, परमिशन लेनी पड़ती है, आंदोलन के लिए प्रशासन आपको जगह देता है, ऐसा तो नहीं ना कि आप घर से निकले और चलो भैया सड़क पे बैठ गए। नहीं दिया बहुत बार ऐसा, हम तो जब से 20-25 साल से हमारा राजनीतिक अनुभव है, हमेशा हम लोग सड़क पर आंदोलन किए, और भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में नहीं थी वो भी सड़क पर, कितनी बार इन लोगों ने भारत बंद किया, 1000 से ज्यादा बार इन्होंने भारत बंद किया। आज जो बरेली में हुआ आप उसे जायज ठहरा रहे? अरे भारत बंद कितनी बार इस देश में हुआ? भारत बंद अलग विषय, आज जो हुआ आप उसे जायज ठहरा रहे? सुनिए, 3 महीना तक ये लोग पार्लियामेंट नहीं चलने दिए, और जब जम्मू कश्मीर हाईवे को 4 महीना बंद किए रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग। वजीर भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आज जो बरेली में हुआ क्या वो ठीक था? जब नहीं, नहीं मेरी बात समझिए, आप मुझे जबरदस्ती फोर्स मत कीजिए। नहीं तो आप बताइए ना, हम बरेली पे बात कर रहे हैं, आप वहाँ चले गए तो हम तो बोल ही रहे ना, हम भी तो बोल रहे हैं, हमारा अपना व्यूज आपको लेना है ना। हाँ। कि आप जो कहेंगे वही हम करें, तो मुद्दे पे तो बोलिए ना। इस देश में ही बताइए, इस देश में क्या अपनी बात कहना बंद हो गया? हाँ। क्या लोकतंत्र खत्म हो गया? चक्रपाणि जी, वो कह रहे हैं लोकतंत्र अधिकार देता है इस चीज का जो बरेली में हुआ है, ऐसा लोकतंत्र अधिकार इस तरह का नहीं देता है कि आप कार्यक्रम करो, हिंसा को उठाओ, हिंसा करने की, ये तो जिहाद है, जिहादियों का जिहाद है, और ये जिहाद गजवा हिंद तक लेके जाने का ये है। और फजील अहमद जैसे जो जो इस्लामिक स्कॉलर है, जो इसके राजनीति की आड़ में उसकी बचाव करते हैं, ये सब समझते हैं फजील साहब जी, लेकिन फजील साहब को चूंकि बंद हो गया है क्या मिलती है उनको बचाना है, रास्ता बन के वो करना अभी कल अभी कल किसान जो है, यह जितना आदि सोच के लोग है, जो इस तरह के जिहादीमान के लोग जिहाद कर रहे हैं फजील साहब, और फजील साहब जैसे लोग इस्लामिक स्कॉलर उनका बचाव करते हैं लोकतंत्र के आड़ में, वो कहते हैं कि लोकतंत्र का ये हिस्सा है। अरे भाई, लोकतंत्र नहीं है तो आपको गजवा हिंद बनाने के लिए आप जिहाद कर रहे हो, आप तो हिंदुओं के खिलाफ जिहाद कर रहे हो, आप तो उकसा रहे हो, दो देश को स्थिर करने का प्रयास कर रहे हो, ये समझो इसमें और लोकतंत्र में बहुत अंतर है। आप सीधे सरकार को गालियां दे रहे हो, आप गालियां
मुख्यमंत्री को दे रहे हो, आप हिंसा के लिए रोडों पे उतर रहे हो, अरे अपनी मांग होती तो उसके लिए आंदोलन की जाती है, अभी कौन रोकता है। लेकिन आपकी मन मस्तिष्क ठीक नहीं है, आप कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं, आप कहीं ना कहीं अवसाद में हैं, और अवसादित व्यक्ति जो है हमेशा समाज को गलत दिशा की तरफ ले जाता है, समाज में हिंसा फैलाता है, समाज में दंगे कराता है, तो ये इनसे खतरा है, ये ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फजील अहमद, ये लोग सरकार के खिलाफ बोलो तो ये लोग कहते हैं हिंदू के खिलाफ बोल रहे हैं, ये तो गलत विचारधारा ना इनकी। ये तो 1857 में अंग्रेज जब रिसर्च हुआ कि इस देश में हिंदू मुसलमान मिलकर आंदोलन किए और जो चू मिला दिए, तो अंग्रेजों ने देश में हिंदू मुसलमान का जो बीज बो दिया उसी को ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ये तो अंग्रेजों वाली नीति पे चल रहे हैं लोग, जो गुलामी 200 साल गुलामी का देश रहा इन्हीं लोग की वजह से रहा। ये अंग्रेजों के लोग बहुत अंग्रेजों के वेलविशर थे, वही नीति लोग अभी भी चला रहे हैं हिंदू मुसलमान में। अरे भाई सरकार सुन लीजिए, फिर हम बीच में नहीं बोले थे, सरकार के खिलाफ बोलना हिंदू के खिलाफ क्यों मान लेते हैं उसको आप? कोई भी सरकार के खिलाफ तो मनमोहन सिंह कौन बोलता था? हम तो 70 साल से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की आलोचना करने का अधिकार संविधान देता है हमको, हम 70 साल से दे रहे, कोई नई बात है? सर गाली देने का अधिकार तो नहीं देता ना? अरे गाली कौन दे रहा है? गाली देने के लिए कानून नहीं है क्या देश में? तो वही चीज है ना कि अब हर चीज तो कानून के हिसाब, गाली दिया तो कानून है और वैसे संविधान का आप हवाला दे रहे हैं। आप अपनी बात को अगर रखना है तो क्या इस तरीके से करेंगे कि आप पहले हजारों लोगों से कहते हैं आप आइए इकट्ठा होइए? नहीं नहीं, 10,000 क्या, 10 लाख लोग इकट्ठा, 10 करोड़ लोग इकट्ठा होंगे? ये तो देश में जब ऐसी बातें होती है, ईवीएम के खिलाफ पूरे देश की जनता इकट्ठा हो रही है, तो आप उसको रोक लेंगे? तो फिर आप ये कह रहे हैं जैसा हल्द्वानी में भी यही हुआ था, बरेली में भी वही करने की कोशिश हुई, आप ये कह रहे हैं कि फिर ऐसा ही होना चाहिए? हल्द्वानी के अंदर सरकार ने पराजित दंगा कराया, वो जिसकी निष्पक्ष जांच कराई मालूम हो जाएगा कि दंगाई कौन लोग थे और कहां से आए थे। कोई लोकल आदमी ने दंगा नहीं किया वहां पे, ये यूसीसी बिल पास हुआ किसी ने विरोध नहीं किया, सरकार को अच्छा नहीं लगा। सरकार चाहती थी कि मुसलमान सड़कों पर उतर के इसका विरोध करे, लेकिन जब मुसलमानों ने विरोध नहीं किया तो इन लोगों ने पराजित तरीके से हल्द्वानी का दंगा करा करके मुसलमानों को बदनाम करना और इनके खिलाफ माहौल बनाने के लिए इन लोगों ने किया। और बरेली में क्या उसी को दोहराने की कोशिश हुई? बरेली में क्या हुआ? बरेली की आपने तस्वीरें नहीं देखी? हजारों वहां पे हजारों लोग तौकीर रजा पहले एक वीडियो जारी करते हैं, फिर कहते हैं कि आइए यहाँ पे सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ और जो हो रहा है वो सब उसको बुलडोजर की कार्रवाई को गलत बता रहे हैं, तमाम चीजों का आरोप लगाया, फिर कहते हैं कि आप आइए अमन का भी ध्यान रखिए। जहाँ हजारों लोग वजीर साहब जहाँ पे इकट्ठा होंगे वहाँ क्या गारंटी है कि वहाँ पे फिर हिंसा नहीं होगी? नहीं, अभी हमारा संविधान खत्म नहीं हुआ है ना, हमारा संविधान आपको इसकी कहाँ इजाजत देता है कि आप इस तरीके से आइए बीच सड़क पे फिर पुलिस के साथ धक्का मुक्की कीजिए, दो दो हाथ कीजिए? बिल्कुल सरकार, हमारे संविधान हमको इजाजत देता है कि आप सरकार के खिलाफ अपनी बात कह सकते हैं। चक्रपाणी महाराज जी, देखिए सरकार से असंतुष्ट है तो सरकार के खिलाफ बोलने का किसको अधिकार है? कौन बोलता है सरकार के खिलाफ? सरकार के प्रधानमंत्री बोल रहा है। देखिए फजील साहब, वो आपके बीच में नहीं बोले, प्लीज अब उनको बोलने दीजिए। फजील साहब आपके बीच में नहीं बोला, आप मुझे बोल, देखिए सरकार की नीतियों से आपत्ति है तो उसके खिलाफ हर व्यक्ति करता है, लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन आप तो जिहाद कर रहे हो, आप तो गाली दे रहे हो, आप तो हिंसा के लिए उठा रहे हो, इसके लिए संविधान राइट नहीं दे रहे, तो ये तो जिहाद है। ये तो आप हिंदुओं के खिलाफ जिहाद कर रहे हो, तो शासन प्रशासन के खिलाफ जिहाद कर रहे हो, ये तो आप चाहते हो कि कई, ये आज की नहीं है, कई सालों से प्रक्रिया में लगे हुए है, हर कट्टरपंथी जो जिहादी मानसिकता के मौलाना मुक्ति ये सब लगे हुए, यानी ये लोग इसमें किस कोशिश में है कि कैसे माहौल खराब हो। बहुत शुक्रिया चक्रपाणी महाराज जी। तो ये हालात आज बरेली के बने और जिस तरह के हालात थे वो चिंताजनक थे, वो ये बता रहे थे कि यहाँ पे भी, चूंकि अभी कल ही हल्द्वानी में जो हुआ वो पूरे देश ने देखा, और क्या उसको दोहराने की कोशिश बरेली में की गई, और आखिर क्यों तौकीर रजा जैसे लोग भड़काने का काम कर रहे हैं।